ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपका अपोप्टोसिस इन सी एलिगेंस, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, सेल डेथ पाथवे। ठीक है, सेल डेथ पाथवे की बात करें इन सी एलिगेंस, और जो अपोप्टोसिस है ऑल्सो नोन एज पी सी डी, इसको हम प्रोग्राम सेल डेथ के नाम से जानते हैं। देखो, हम प्रीवियसली जो आपके वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर अपोप्टोसिस का मैकेनिज्म हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर हम मैमल्स की बात करें, आपके वर्टिब्रेट्स मैमल्स की बात करें, तो मेमेलियन जो सेल्स होती है उसके अंदर अगर हम अपोप्टोसिस पाथवे की बात करें, तो उस अपोप्टोसिस पाथवे के अंदर क्या होता है कि आपका जो बी सी एल क्लास जो फैमिली होती है, बी सी एल टू जो आपकी जो प्रोटीन्स होती है, बी सी एल एक्सएल जो प्रोटीन्स होती है, ये कैसे होती है, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स होती है। ये एंटी अपोप्टिक जो प्रोटीन्स है ये क्या करती है, ब्लॉक करने का काम करती है, इनिबिट करने का काम करती है अपैफ वन जो आपकी अडेप्टर जो प्रोटीन्स है, अपोप्टेज प्रोटीएज एक्टिवेशन जो प्रो फैक्टर्स होते हैं उनको क्या करती है, इनिबिट करने का काम करती है। और इन जनरली जब आपके अपोप्टोटिक जो फैक्टर्स है, एंटी अपोप्टोटिक जो फैक्टर्स है, इनको इनिबिट कौन करके रखता है, आपकी प्रो अपोप्टोटिक जो प्रोटीन है वो क्या करती है, इन बीसीएल जो प्रोटीन आपकी अपोप्टोटिक एंटी अपोप्टोटिक जो प्रोटीन है उनको इनिबिट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें बैड की बात करें, बिक की बात करें, बैक्स की बात करें, नोकजा की बात करें, तो हमने वेरियस प्रोटीन देखी थी। तो ये जो प्रोटीन है ये कैसी होती है, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन होती है। एंटी अपोप्टोटिक क्या होती है, प्रोटीन्स होती है। ये एंटी अपोप्टिक प्रोटीन क्या करते हैं, आपकी जो सॉरी आपकी प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन होती है, क्या करती है, प्रमोट करने का काम करती है अपोप्टोसिस को। वाइल बी सी एल टू, बी सी एल एक्सएल, डब्ल्यू बी, ये सभी क्या होती है, आपकी एंटी अपोप्टोटिक क्या होती है, प्रोटीन्स होती है। तो बैड, बिक्स और नोकजा, पूमा, ये जो प्रोटीन है ये कैसी होती है, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन होती है। ये जो प्रो अपोप्टोटिक जो प्रोटीन है एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन को इनिबिट करती है। और जब बीसीएल टू प्रोटीन आपकी एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन जब इनिबिट हो जाती है, तो ये अपना जो इनिबिशंस है एपएफ वन के ऊपर इसको क्या कर देती है, लॉस कर देती है। जैसे ही अपएफ वन क्या होगा आपका, इस पे इनिबिशंस लॉस होगा, तो ये अपएफ वन क्या करेगा, रिक्रूट करेगा किसको, कैस्पेस थ्री को क्या करेगा, रिक्रूट करेगा। अब ये जो कैस्पेस सॉरी पहले कैस्पेस नाइन की फॉर्मेशंस होगी, देन जो कैस्पेस नाइन है ये किसको फॉर्मेशंस करेगा, कैस्पेस थ्री को फॉर्मेशंस करेगा। और अल्टीमेटली क्या होगी, इसके अंदर अपोप्टोसिस क्या होती है, अकर होती है। तो अगर हम बात करें इंट्रिंसिक पाथवे की बात करें, इंट्रिंसिक पाथवे की बात करें, तो इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि जो मैमिलियन जो सेल्स है उसमें प्रो अपोप्टोटिक जो प्रोटीन है वो क्या करती है, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन को इनिबिट करती है। जैसे ही एंटी अपोप्टोटिक जो प्रोटीन वो इनिबिट होगी, तो क्या होगा, आपका जो एडेप्टर जो प्रोटीन है उस पर जो इनिबिशन है वो लॉस हो जाएगा। जैसे ही अपएफ वन आपका एक्टिवेट होगा, ये क्या करेगा, आपके जो कैस्पेस नाइन को एक्टिवेट करेगा, कैस्पेस नाइन कैस्पेस थ्री को एक्टिवेट करेगा, और सेल्स के अंदर क्या होगी, अपोप्टोसिस अकर होगी, उसके अंदर क्या होगी, डेथ अकर होगी। बट अगर हम बात करें सी एलिगेंस की बात करें, तो सी एलिगेंस के अंदर क्या होता है, ई जी एल क्या होता है, ई जी एल वन क्या होता है, ये क्या होता है, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन होती है, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं, अपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं। तो ई जी एल जो प्रोटीन है ये क्या करता है, इनिबिट करने का काम करता है किसको, सी ई डी नाइन को क्या करता है, इनिबिट करता है। और ये सी ई डी नाइन क्या होता है, आपका एंटी अपोप्टोटिक क्या होती है, प्रोटीन होती है, जो क्या करती है, सी एलिगेंस के अंदर जो अपोप्टोसिस है उसको क्या करती है, इनिबिट करने का काम करती है। ये सी ई डी नाइन है वो इनिबिट करके रखता है किसको, सी ई डी फोर को इनिबिट करता है। तो जैसे ही ई जी एल प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन क्या होगी, आपकी एक्टिवेट होगी, ये इनिबिट करेगी किसको, सी ई डी नाइन को इनिबिट करेगी। जैसे ही सी ई डी नाइन इनिबिट होगा, तो ये अपना जो इनिबिशन है सी ई डी फोर पे उसको लॉस कर देगा, तो आपका सी ई डी फोर क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही सी ई डी फोर एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट करेगा किसको, सी ई डी थ्री को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और जैसे सी ई डी थ्री एक्टिवेट होगा, सेल्स के अंदर क्या होगा, अपोप्टोसिस अकर होगा। तो अगर हम बात करें सी एलिगेंस की बात करें, तो सी एलिगेंस के अंदर क्या होता है, जो अपोप्टोसिस का जो पाथवे होता है इसके अंदर क्या होता है, जो ई जी एल वन है ये क्या होता है, प्रो अपोप्टोटिक होता है। तो ई जी एल वन होमोलोगस होता है किससे, बैड, बिक, बैक्स, नोकजा, जो मैमिलियन जो आपकी प्रोटीन्स है एंटी अपोप्टिक जो प्रोटीन्स है उसका क्या होता है, होमोलोगस होता है। इसके अलावा सेड नाइन की बात करें,
तो SAD9 क्या होता है, रेगुलेशंस का काम करता है। किसका काम करता है, रेगुलेशंस का काम करता है। जब आपके प्रो अपोप्टोटिक एब्सेंट होते हैं तो सेल्स के अंदर जो अपोप्टोसिस है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, उसको स्टॉप करने का काम करता है। तो जो सी एलिगेंस है इसके अंदर जो SAD9 जो प्रोटीन है ये होमोलोगस होता है, किससे, BCL2XL से क्या होता है, होमोलोगस होता है। वाइल CED4 की बात करें तो CED4 किसका काम करता है, अडप्टर का काम करता है। तो हमने बताया था कि अपेफ जो वन है जब आपके अपोप्टोसोम की फॉर्मेशन होगी तो ये जो अपेफ वन है वो क्या करता है, आपकी कैस्पेस 9 को क्या करता है, रिक्रूट करता है कैस्पेस रिक्रूटिंग डोमेन से। तो आपका जो कैस्पेस 9 है अपेफ वन है वो किसका काम करता है, अडप्टर का काम करता है। तो सी एलिगेंस के अंदर CED4 है वो क्या होता है, होमोलोगस होता है मेमेलियन अपेफन के, और CED3 जो होता है सी एलिगेंस का ये होमोलोगस होता है मेमेलियन सेल्स के, कैस्पेस 9 से क्या होता है आपका होमोलोगस होता है। तो CED9 क्या होता है, इफेक्टर्स होता है, जो क्या करता है इफेक्ट प्रोड्यूस करता है सेल्स के अंदर, क्या करता है अपोप्टोसिस का कराता है। तो सी एलिगेंस का CED9 मेमेलियन के BCL-XL का होमोलोगस होता है, CED4 अपेफन का होमोलोगस होता है, CED3 किसका, कैस्पेस 9 और कैस्पेस 3 का क्या होता है, होमोलोगस होता है, और EGL1 आपके बैड बैक्स बैक्स बिक नोकजा पूमा इन सब का क्या होता है, होमोलोगस होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैमल्स के अंदर, अगर एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करें, तो एंट्रिंसिक पाथवे की बात करें तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं एक्सटर्नल जो स्टिमुलस होता है वो डायरेक्टली किससे बाउंड होता है, आपके FADD से, आपके फैस एसोसिएटेड डेट डोमेन से क्या करता है, बाइंड करता है। जैसे ही फैस एसोसिएटेड डेट डोमेन से क्या होता है आपका रिसेप्टर बाइंड करता है, तो आपकी जो FADD है ये क्या करता है, रिक्रूट करता है किसको, कैस्पेस 8 को क्या करता है, रिक्रूट करता है। जैसे ही कैस्पेस 8 रिक्रूट होगा वो किसको एक्टिवेट करेगा, कैस्पेस 3 को एक्टिवेट करेगा, और कैस्पेस 3 क्या करेगा एट लास्ट सेल्स के अंदर क्या करेगा, अपोप्टोसिस को क्या करेगा, काज करेगा। तो अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करें तो इन एक्सट्रिंसिक पाथवे FAAD जो प्रोटीन है वो होमोलोगस होता है किसके, SAD4 के होमोलोगस होता है, और कैस्पेस 8 एंड कैस्पेस 3 होमोलोगस होते हैं SAD9 के होमोलोगस होते हैं। देखो इस बेसिक कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर के, तो इसको याद करने के लिए ट्रिक्स है आपकी 9 4 3। तो आपकी जो SAD9 है SAD4 है देन SAD3 है, SAD9 क्या करता है SAD4 को क्या करता है, इनहिबिट करता है। वाइल अगर हम मैमिलियन सेल्स की बात करें, ये आपकी सी एलिगेंस की सेल्स है, तो मैमिलियन सेल्स के अंदर जो डेथ होती है तो इसमें पहले क्या होगा आपका BCL फॉर्म्ड होगा, देन आपका अपेफन फॉर्म्ड होगा, देन क्या होगा आपका कैस्पेस 9 और कैस्पेस 3 क्या होगा आपका फॉर्म होगा। तो सी एलिगेंस का SAD9 BCL ऑफ मैमिलियन सेल्स का क्या होता है, होमोलोगस होता है, SAD4 आपके अपेफन का होमोलोगस होता है, और SAD3 आपके मैमिलियन सेल्स के कैस्पेस 3 और कैस्पेस 9 का क्या होता है, होमोलोगस होता है। जो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर द SAD9 जीन अपियर टू ए बाइनरी स्विच, ये क्या करता है एक बाइनरी स्विच का काम करता है दैट रेगुलेट सेलुलर सर्वाइवल एंड अपोप्टोसिस इन निमेटोड, जो अपोप्टोसिस है निमेटोड के अंदर उसको क्या करता है रेगुलेट करने का काम करता है SAD9 जीन। कंसिडरिंग दैट SAD9 प्रोटीन कैन बाइंड एंड इनएक्टिव SAD3, ये जो SAD9 जो प्रोटीन है ये क्या करता है बाइंड करता है SAD3 पे, और SAD4 पे क्या होता है आपका बाइंड होता है और SAD4 को क्या कर देता है इनएक्टिव कर देता है। तो विच ऑफ दी फॉलोइंग वुड लीड टू अपोप्टोसिस, कौन सी जो कंडीशन है वो क्या करेगी अपोप्टोसिस प्रोड्यूस करेगी। तो अगर हम बात करें कि जो SED हमने बताया था 9 4 3 याद रखना है, तो SAD9 क्या करता है इनिबिट करता है किसको, SAD3 को इनिबिट करता है, सॉरी SAD4 को क्या करता है इनिबिट करता है, और SAD4 क्या करता है SAD3 को एक्टिवेट करता है, और SAD3 क्या करता है सेल्स के अंदर अपोप टोसिस क्या करता है काज करता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसमें कह रहा है एक्टिवेशन ऑफ SAD9 जीन, अगर इसको हम SAD9 जीन को एक्टिवेट कर देंगे तो इसमें सेल्स के अंदर अपोप्टोसिस लीड करने वाली बात करेंगे, कौन सी स्टेटमेंट से जो है अपोप्टोसिस लीड होगी। तो अगर इसको हम एक्टिवेट कर देंगे तो ये आपके SAD4 को क्या करेगा आपका इनिबिट करके रखेगा, और SAD4 इनिबिटेड रहेगा तो सेल के अंदर ना ही SAD3 फॉर्म होगा और SAD3
ट्री फॉर्म नहीं होगा तो सेल्स के अंदर अपोप्टोसिस अकर नहीं होगी। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है लोस ऑफ फंक्शन इन सेड थ्री, अगर सेड थ्री का फंक्शन ही लॉस हो जाएगा तो सेल्स के अंदर अपोप्टोसिस नहीं होगी, तो बी स्टेटमेंट भी रूल आउट हो गया। अगर हम डी स्टेटमेंट की बात करें लॉस ऑफ फंक्शन इन सेड थ्री, अगर सेड फोर के अंदर ही आपका लॉस ऑफ फंक्शन हो गया तो सेड फोर ही लॉस अपना फंक्शन कर गया, तो आपका सेड फोर सेड थ्री को फॉर्म नहीं कर पाएगा, और सेड थ्री फॉर्म नहीं होगा तो आपकी अपोप्टोसिस फिर भी अकर नहीं होगी। बट अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, अगर हम लॉस ऑफ फंक्शन इन सेड थ्री, सेड थ्री अपना फंक्शन लॉस कर दे तो जो सी ई डी फोर है वो क्या हो जाएगा आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे सेड फोर एक्टिवेट होगा ये सेड थ्री को एक्टिवेट करेगा और सेड थ्री क्या करेगा अपोप्टोसिस काज कराएगा। तो सी जो स्टेटमेंट है वो क्या कर रही है आपका लीड कर रहा है अपोप्टोसिस को। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, द सेल डेथ पाथवे इन सी एलिगेंस कैन बी स्कीमेटिकली रिप्रेजेंट, स्कीमेटिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि सेड नाइन है वो इनिबिट करता है किसको, सेड फोर को इनिबिट करता है, और सेड फोर एक्टिवेट करता है सेड थ्री को, और ये जो सेड थ्री है वो क्या काज कराता है सेल्स के अंदर अपोप्टोसिस को क्या करता है काज करता है। तो बेस्ड ऑन दी अबो विच वन ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपकी ट्रू है। ए स्टेटमेंट की बात करें ए लॉस ऑफ फंक्शन इन एलील सेड नाइन, अगर हम सेड नाइन के अंदर हम क्या कर देंगे लॉस ऑफ फंक्शन कर देंगे वुड लीड टू सर्वाइवल ऑफ द सेल्स दैट नॉर्मली डाई, जो सेल्स नॉर्मली डाई कर रही थी वो क्या करेगी सर्वाइव करना करेगी। तो अगर हम इसके अंदर लॉस ऑफ फंक्शन कर देंगे तो सेड फोर क्या हो जाएगा एक्टिवेट हो जाएगा, तो सेल के अंदर क्या होगी अपोप्टोसिस अगर होगी ना कि वो आपकी सर्वाइव करेगी, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी रूल आउट हो जाएगी। सी स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें बताया है ए गेन ऑफ फंक्शन इन एलील सेड नाइन वुड लीड टू एक्सेसिव सेल डेथ, उसके अंदर क्या होगी आपके अगर हम गेन ऑफ फंक्शन, अगर सेड नाइन के अंदर गेन ऑफ फंक्शन हो गया तो ये सेड फोर को क्या रहेगी इनिबिट रहेगी, और सेड फोर इनिबिटेड रहेगा तो सेल के अंदर जो अपोप्टोसिस है वो आपकी अकर नहीं होगी, ठीक है। बट ये क्या कह रहा है लीड्स टू एक्सेसिव सेल डेथ, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी रूल आउट हो जाएगी। डी स्टेटमेंट की बात करें नाइदर लॉस और गेन ऑफ फंक्शन इन सेट थ्री वुड मेक एनी चेंज इन दी सेल डेथ, तो गलत बता रहा है कि अगर हम सेट नाइन के अंदर हम प्रमोट करें एनिबिट करें तो सेल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये तो वैसे डायरेक्ट रूल आउट हो गया। बी स्टेटमेंट की बात करें ए लॉस ऑफ फंक्शन इन एलील सेट नाइन, अगर हम सेट नाइन के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन कर देंगे तो यहाँ पे ये जो अपना इनिबिशन है उसको लॉस कर देगा तो सेट फोर क्या हो जाएगा एक्टिवेट हो जाएगा, तो जैसे ही सेट फोर एक्टिवेट होगा तो सेल के अंदर क्या होगा अपोप्टोसिस अकर्स होगा, तो सेल वुड लीड टू एक्सेसिव सेल डेथ, दैट्स व्हाई इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें अपोप्टोसिस ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट इज इंपोर्टेंट फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर इन सी एलिगेंस अपोप्टोसिस इज Accentuated by SAD3, SAD4 gene, which turn are negative regulation by the SAD9, किसमें जो SAD9 है वो negative regulation करता है SAD3 and SAD4 का, और ये SAD3 और SAD4 क्या करती है apoptosis क्या करती है perform कराती है। Eventually EGL1 when compared to mammals, इसको हम जब mammals से compare करें तो functional similar homologous have been identified according to which of the following statement is नोट करेक्ट, इसमें नोट करेक्ट क्या है स्टेटमेंट पूछी है। तो अगर हम बात करें होमोलोगस की बात करें तो जो BCL2 जो होता है या BCLXL होता है वो होमोलोगस होता है किससे CED9 के होमोलोगस होता है, जैसे हमने बताया था 943 आपको लिखना है यहाँ पे BCLXL यहाँ पे APF1 लिखना है, देन APF1 के बाद क्या होगा आपका कैसपेस 3 या कैसपेस 9 होगा, तो CED9 है वो होमोलोगस होता है BCL2 या XL से, CED4 आपके FF1 का होमोलोगस होता है, और CED3 3 और 9 का क्या होता है होमोलोगस होता है। तो अगर हम बात करें CED4 रिजेंबल टू FF1 तो आपका CED जो 4 है वो क्या है होमोलोगस है किसका FF1 का, तो ये स्टेटमेंट क्या है राइट स्टेटमेंट है। सेकंड ऑप्शन की बात करें CED9 रिजेंबल टू XL तो आपका CED9 है वो रिजेंबल कर रहा है किससे XL से रिजेंबल कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई राइट हो गई। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें CED रिजेंबल टू कैस्पेस 3 तो CED जो है वो रिजेंबल कर रहा है किससे कैस्पेस 3 से रिजेंबल कर रहा है, तो ये भी क्या होगी आपकी राइट होगी। बट अगर हम बात करें CED4 रिजेंबल टू कैस्पेस 9 CED4 CED4 किससे रिजेंबल करता है अपएफ1 से रिजेंबल करता है ना कि कैस्पेस 3 से, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी
रॉन्ग स्टेटमेंट है, और इसमें पूछा क्या है, इनकोरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है, तो दैट्स वाई इसका राइट जो आंसर है वो कौन सा, आपका ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे आपका जो सेल डेथ जो पाथवे वो कंप्लीट होता है।